GIT सिम्टम्स ऑफ टेबिकम, इसमें माउथ में क्या सिम्टम है? माउथ में प्रोफ्यूज सलाइवेशन होता है विद वाइट टेनेशियस म्यूकस. म्यूकस कैसा होता है? थिक होता है, विच मस्ट बी एक्सपेक्टोरेटेड, जिसको कि बाहर स्पिट करना पड़ता है, एक्सपेक्टोरेट करना पड़ता है. स्टमक में इनसेसेंट नोजिया एज इफ सी सिक. इनसेसेंट मतलब अनकंट्रोल्ड जो नोजिया होता है. कब? सी सिक. सी सिक मतलब कहीं भी शिप में ट्रेवल करने पे, बोट पे ट्रेवल करने पे, उस टाइम पे जो नोजिया होगा, और जरा सा भी मोशन से, वॉमिटिंग ऑन लीस्ट मोशन विद फेंटनेस. उस वॉमिटिंग के साथ साथ क्या हो? फेंटनेस हो, और जिसमें रिलीफ किससे मिले? ओपन एयर से मिले. इनसेसेंट नोजिया एज इफ सी सिक, वॉमिटिंग ऑन लीस्ट मोशन विद फेंटनेस. एमलरेशन किससे? ओपन एयर से. इनसेसेंट नोजिया वर्स स्मेल ऑफ टोबैको, वो नोजिया जो कि टोबैको की स्मेल से भी वर्स हो. स्मेल ऑफ टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक की स्मेल से भी जो नोजिया वर्स हो. फॉस्फोरस में भी यही सिम्टम है. वॉमिटिंग ऑन लीस्ट मोशन, थोड़े से भी मोशन से वॉमिटिंग होना. वॉमिटिंग वॉयलेंट विद कोल्ड स्वेट, वॉमिटिंग कैसी है? वॉयलेंट है, कोल्ड स्वेट के साथ साथ. सून एज ही बिगिन टू मूव, जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे, इसमें जो लीस्ट मोशन से इसमें वॉमिटिंग है. प्रेगनेंसी के टाइम पे व्हेन लैक्टिक एसिड फेल, जब लैक्टिक एसिड जो मेडिसिन है वो वर्क ना करे, तब टेबिकम को प्रेस्क्राइब करा जाता है. सी सिकनेस है इसमें, उसमें क्या है? डेडली नोजिया है, पैलर है, साथ साथ कोल्डनेस है, कोल्ड स्वेट है. एग्रवेशन लीस्ट मोशन से है. एमुलरेशन ऑन डेक इन फ्रेश एयर और ओपन एयर. डेक वो जो शिप और बोट में जो एरिया होता है साइड में वॉक करने के लिए, वहां पे अगर जाते हैं तो उसमें पेशेंट को रिलीफ मिलता है, और ओपन एयर में रिलीफ मिलता है. टेरिबल फेंट सिंकिंग फीलिंग एट पिट ऑफ स्टमक. पिट ऑफ स्टमक में कैसी फीलिंग है? टेरिबल फेंट और सिंकिंग फीलिंग है. सेंसेशन ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन स्टमक का कैसा? रिलैक्सेशन की सेंसेशन है. हैंगिंग डाउन सेंसेशन, जो कि इपिकॉक और स्टेफिस एगेरिया में भी है. सेंस ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ स्टमक विद नोजिया, उसके साथ साथ क्या है? नोजिया है. गैस्ट्रेल्जिया, पेन फ्रॉम कार्डियक एंड एक्सटेंडिंग टू लेफ्ट आर्म, जो स्टमक का कार्डियक रीजन से लेफ्ट आर्म तक पेन जो एक्सटेंड करेगा, उस पे टेबिकम को यूज करा जाता है. एब्डोमन में क्या है? चाइल्ड वॉन्ट्स एब्डोमन अनकवर्ड. चाइल्ड को क्या चाहिए? एब्डोमन अनकवर्ड रहे, उससे उसको क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है नोजिया और वॉमिटिंग में. कोल्डनेस है एब्डोमन में, कॉल्चिकम इलेप्स एंड लेकेसिस की तरह. इसमें क्या है? रिट्रैक्शन होगा नेवल का. किस वजह से? क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है एब्डोमिनल मसल्स में, उसकी वजह से रिट्रैक्शन हो रहा है नेवल में भी. रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन, इनएक्टिव बवल और पैरालिसिस ऑफ रेक्टम. कैसा है? पैरालिसिस ऑफ रेक्टम, या फिर आप इनएक्टिव बोल सकते हैं रेक्टम को. स्पैज्म ऑफ स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का स्पैज्म हो जाना. प्रोलैप्सिस एनआई ऑफ ईयर स्टैंडिंग, बहुत टाइम तक जो प्रोलैप्सिस एनआई होता है उसमें यूज करी जाती है, और हर्पीस ऑफ एनएस में यूज करी जाती है. डायरिया कैसा है? सडन है, येलोइश है, ग्रीनिश है, स्लाइमी है, अर्जेंट है, वॉटरी विद नोजिया. डायरिया में कैसा है? वॉटरी है, उसके साथ साथ नोजिया भी है, मतलब इसमें जो मेन कंप्लेंट है नोजिया सबके साथ प्रेजेंट है. वॉमिटिंग प्रोस्ट्रेशन विद कोल्ड स्वेट, कोल्ड स्वेट इसमें भी है, विरेटम में भी कोल्ड स्वेट है, और उसके साथ साथ फेंटनेस है फ्रॉम एक्सेसिव स्मोकिंग. और ये डायरिया किसकी वजह से भी हो सकता है? एक्सेसिव स्मोकिंग की वजह से. टेबिकम में जो मेन कंप्लेंट्स है इसमें नोजिया प्रेजेंट है, साथ साथ में उसमें कोल्ड स्वेट है, और उसके साथ साथ एक्सट्रीम फेंटनेस है. इस टाइम पे अगर कोई ऐसा सिम्टम अगर कहीं पे मिल रहा हो तो इसको टेबिकम को प्रिस्क्राइब करा जाता है.